नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। तो आज की हमारी जो कंपनी है वो है इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी थोड़ी छोटी है लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, कंपनी कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये अपने पीक पर आ चुका है और वहाँ से अब गिरावट चालू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अपनी प्रॉफिट भी सेव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है 67.4 करोड़ का, जबकि अगर बात करते हैं फेस वैल्यू का तो 1 रुपए का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 2.41 का है, जबकि अगर कंपनी के हम डेप्ट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 0.20 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर डेप्ट है। वहीं कैश की बात करते हैं तो आप देखेंगे 5.51 करोड़, जो कि माइनस में इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के हम और डिटेल की बात करें, अगर ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी जो कि काफी ऊपर हुआ करता था, लेकिन अगर इसमें गिरावट की बात करें तो 2015 के बाद से यह शेयर बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है और तब से उसी लेवल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी का ग्रोथ और कितना होगा। इनके 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 15 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, जो कि इसका 52 वीक लो है, और ये शेयर पहुंच चुका है 67 पैसे तक। यानी कि जो ग्रोथ है उसको अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पैसे से पैसे में हुआ है, तो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ अगर नजर से देखेंगे तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसी को परसेंटेज पे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं इस कंपनी का, तो आप देखेंगे 10 साल में आपको -9% का डिटेल देखने को मिलेगा। 5 साल की बात करें तो 33%, अगर 3 साल की बात करें तो 52%, और 1 साल में आपको 253% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है 19.28% की होल्डिंग। अगर DII की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी, यानी कि जो भी उनके पास माल था वो सारा माल बेचकर निकल चुके हैं। पब्लिक की बात करते हैं तो 72% की होल्डिंग इस टाइम पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। और अक्सर आप अगर पैनी शेयर को एनालाइज करेंगे, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो आप देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग हमेशा सबसे ज्यादा हाई होती है। तो देखते हैं इस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा रहा है। दोस्तों, अगर कंपनी के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आप देखेंगे पिछले 4 सालों का इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेते हैं। अगर 2017 से 2018 में हम रेवेन्यू को कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे इसमें काफी बड़ा गिरावट देखने को मिला था, जबकि 2018 से 2019 में देखेंगे तो थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा है, और 19 से 20 में कंपनी ने अगेन रिकवरी की है। लेकिन अगर कंपनी के हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2017 में कंपनी को लॉस हुआ था 0.53 करोड़ का, 2018 में कंपनी ने बाउंस बैक किया और 0.91 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, जबकि 2019 में 0.81 करोड़ का कंपनी ने अगेन प्रॉफिट बनाया और 2020 में कंपनी को लॉस हुआ 4.98 करोड़ का। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंपनी 1 महीने में लगभग 60% का रिटर्न दे चुकी है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 252% का रिटर्न, 1 साल की बात करते हैं तो उसमें भी आपको 252% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा, 2 साल में 252% का रिटर्न सेम, अगर बात करें 3 साल 4 साल तो उसमें भी आपको लगभग सेम डेटा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद डेटा में कुछ इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर 10 साल की बात करें तो आपको -61% का डिटेल देखने को मिलेगा, 5 साल की बात करते हैं तो 318%, हालांकि जिस वेबसाइट से ये लिया गया है वहाँ पे तो हो सकता है कि थोड़ी सी इनकरेक्टेड हो चुका हो। तो देखते हैं इनका चार्ट क्या कहता है। दोस्तों, चार्ट पे देख लेते हो, अभी ये हाल ही में अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि जो 60 पैसे 61 पैसे का इनका जो एक लेवल था, जो कि इस शेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले भी इस कंपनी ने वहां तक जाने की कोशिश किया था और वहीं से करेक्शन आया था और शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका था। अगेन उसी के पास जाकर इसमें एक और करेक्शन आपको देखने को मिला, यानी कि ये जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रहा है इस लेवल को, ये बता रहा है कि ये वही सेम लेवल को टच करके वहां से गिरावट चालू हो गया, यानी लोगों ने अपनी प्रॉफिट सेव करना ज्यादा सही समझा, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें अच्छी खासी बाइंग आई और यह कंपनी फिर से बाउंस बैक किया और उस लेवल को तोड़कर उसके ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या? दोस्तों, अगर इसके RSI पे नजर डालते तो आप देखेंगे 83.40 का चल रहा है, और जब नॉर्मल यानी कि मार्केट जब बुलिश होता है तो वहां पे अगर RSI 90 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट माना जाता है, यानी कि ये शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन के नीचे चल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप इसे और होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप 90 के आसपास का होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि 20% 30% की प्रॉफिट बुकिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा के अनुसार देखा जाए तो 90 अभी पहुंचने में थोड़ा टाइम है,
90 पहुँचते पहुँचते ये आपको 70 से 75 पैसे तक पहुँचता हुआ ये शेयर दिख जाएगा और उसके आसपास जाता है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और बढ़ा लेनी चाहिए, यानी कि आप 50% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर ये 70 रुपये 72 रुपये के आसपास पहुँचता है तो। लेकिन अगर उसके ऊपर यानी कि 80 82 पैसे के पहुँचता है तो आप वहाँ से 10-15% की और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि इसी हिसाब से आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैनी शेयर है, पैनी शेयर में कब इसमें बड़ा कोई ऑपरेटर या फिर बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे ऊपर अपने प्रॉफिट बुकिंग कर ले और ये शेयर लगातार गिरना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले आपको भी अपनी प्रॉफिट बीच बीच में थोड़ी बहुत सेव कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप नहीं करना चाहते, 10% 20% भी आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, ज़रूर इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 70 से 72 पैसे का ये अभी और ऊपर जा सकता है। इसके बाद आपको इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म डेटा पे, अगर इसमें वीकली मैंने चार्ट लगा रखी है। दोस्तों ये जो लेवल है ये इस शेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इस टाइम आप देखेंगे तो ये लेवल तोड़कर इसके ऊपर आ चुका है, तो ऐसे में जो इसका पहला टारगेट बनेगा वो 72 पैसे तक का बन सकता है। और उसके बाद अगर ये लेवल तोड़ता है तो 80 से 82 पैसे तक का आपको अगला टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा। तो जिस हिसाब से मैंने बोला, चाहे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर आपका अपना कोई प्लान हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी आपने जो टारगेट सोच रखा है। लेकिन आपको ये बात जरूर याद होना चाहिए कि ये एक पैनी शेयर है, अगर कोई भी बड़ा ऑपरेटर या फिर बड़ा क्वांटिटी लाकर बेचता है तो इसमें लोअर सर्किट भी लगना स्टार्ट हो सकता है। तो आप अपना टारगेट वहीं पे बनाएं जो पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि इस शेयर को आप 4 रुपये 2 रुपये का भी अपने अगर बना लेते हैं तो शायद 2 रुपये पहुँचने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बीच में कई गिरावट भी आएगी, तो ऐसे में बीच में अपनी प्रॉफिट बुकिंग सेव करते ही रहें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।